राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधीन, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Ho Hare Krishna 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 Hare Hare राजा राम पतित पावन सीता राम
बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता निताई जय गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई, जय श्री श्री गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई। आहा प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद श्रील प्रभु पद, जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद, जय जय प्रभु जय श्री प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि धर्म हरि नाम संकीर्तन की, शिष्य राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीय पदपं कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मा नसराजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री देवादिदेव महादेव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोता गण आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम राधे श्याम। भगवान से प्रेम करने के बहुत भाव है, अनेकों भावों से भगवान से प्रेम क्रिया किया जा सकता है। उनमें से सबसे प्रमुख भाव है वह माधुर्य भाव, और देवाधिदेव महादेव माधुर्य भाव में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शिव जी का कृष्ण के प्रति जो भाव है वो माधुर्य भाव है। किस प्रकार से शिव जी माधुर्य भाव में आस्वादन करते हैं, किस प्रकार रास लीला में, एक बात ध्यान रखिएगा कि शिव जी की आज्ञा अनुमति और कृपा के बिना भगवान की रास लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने लिखा, मैं आपको कथा के प्रवाह में वह बताऊंगा श्लोक में, कि भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को रास लीला के द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है। शिव जी जो है भगवान की रास लीला में प्रवेश करने के लिए त्रिलोचना गोपी के रूप में वहाँ द्वारपाल के रूप में खड़ी है, और वह त्रिलोचना व शिव जी व गोपेश्वर महादेव जिसको सैंक्शन करते हैं वही रास लीला में जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखो ना, आज आप वृंदावन जाओगे, यमुना के तट पर वंशीवट के नीचे जहाँ बांसुरी बजी और रास हुआ, आज भी आपको वहाँ जाना है तो पहले गोपेश्वर महादेव का मंदिर आएगा और फिर रासलीला की स्थली आएगी। आज भी भौगोलिक दृष्टि से भी
हम देख सकते हैं। तो शिव जी का स्थान माधुर्य में, माधुर्य के रूप में वे भगवान की सेवा एक चक्कर दक्षिण भारत में लगा कर आते हैं। दो पाँच मिनट हमारे दक्षिण भारत में एक संत हुए जो स्वयं गरुड़ जी के अवतार थे। भगवान ने गरुड़ के ही अंश को इस धरती पर भेजा धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, और वह गरुड़ जी दक्षिण भारत में 12 अलवार में से एक अलवार हुए जिनका नाम हुआ पेरीय अलवार, और उनका दूसरा नाम इजी है, वह है विष्णु चित्त अलवार। सो पेरीय अलवार या विष्णु चित्त अलवार गरुड़ जी के अंश के रूप में इस धरा धाम पर दक्षिण भारत में प्रकट हुए। और जैसे कि मैं निवेदन किया कि भगवान के प्रति प्रेम करने के बहुत भाव है, तो यह पेरीय अलवार, यह विष्णु चित्त अलवार का वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव में भगवान के प्रति प्रेम करते थे। देखिए, वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान से संबंध जोड़ना होगा। फिर वह संबंध पिता का बना लीजिए, मतलब आप पिता बनिए, भगवान को अपना बेटा बनाइए, या फिर आप भगवान की माँ बन जाइए। भगवान का पिता बनकर वात्सल्य आदान प्रदान हो सकता है, या माँ बनकर, या फिर भगवान का गुरु बन जाइए। कृष्ण के गुरु बनकर कृष्ण से वात्सल्य का आदान प्रदान कर सकते हैं, या फिर कृष्ण का बड़ा भाई बन जाइए। कृष्ण के बड़े भाई बनकर भी वात्सल्य का आदान प्रदान हो सकता है। सो कुल मिलाकर गरुड़ के अवतार विष्णु चित्त पेरीय अलवार इस धरती पर धर्म की ध्वजा को लहराए। उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति में उत्साह देने वाले श्लोक लिखे हैं, भगवान की लीला को भी निवेदन किया। उनमें से कुछ रचना मैं आपके बीच में रखूं, लेकिन पहले भूमिका बता दूं। उन दिनों मदुरा नाम के स्टेट में, भारत में, दक्षिण में मदुरा स्टेट था, और मदुरा का एक राजा था जिसका नाम था बलदेव। तो मदुरा के राजा बलदेव कहते हैं कि बड़े धर्मात्मा थे, सज्जन थे, वर्णाश्रम का बहुत अच्छे से पालन करते थे। और राजा बलदेव एक दिन वेश बदल कर अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। देखिए, पहले के जो अच्छे राजा होते थे ना, वो राज्य की स्थिति को देखने के लिए कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि राजा के सामने वो बोलने में कष्ट होता है, और राजा वाया वाया दूसरों से कुछ मैसेज लें, उनसे अच्छा राजा स्वयं ही वेश बदल कर प्रजा में चला जाता था। आजकल तो लाल बत्ती के बिना कोई निकलता नहीं है। खैर, तो राजा बलदेव, मदुराई के राजा बलदेव वेश बदल कर विचरण कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक नया आदमी, कोई तीर्थाटन करने वाला एक यात्री उनके राज्य में आया। राजा ने उनसे निवेदन किया कि भाई, आप हमारे राज्य के तो लगते नहीं हो, कभी आपको हमने सभा में नहीं देखा। तो कहा कि मैं एक यात्री हूँ और तीर्थाटन के लिए जा रहा हूँ। राजा तो वेश बदल कर वहाँ पर थे, राजा ने अपना परिचय नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यात्री हो तो हमारे साथ थोड़ा सत्संग करो ना, हमें थोड़ी शास्त्र की बातें सुनाओ। अब उस यात्री ने राजा को बहुत सुंदर शास्त्र की बातें सुनाई। देखो, मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्रेम करने के लिए। ऑब्वियसली मनुष्य जीवन मिला है तो हम धर्म करें, कर्म करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी प्रजा का ध्यान रखें, लेकिन यह सब गौण है। यह सब करते हुए किसी भी मनुष्य को इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तय कर लेना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर बातें उस यात्री ने कही। तब राजा के हृदय में वास्तविक ज्ञान हुआ। राजा ने कहा कि यह ज्ञान तो मेरे में था ही नहीं, मैं तो केवल भौतिक जीवन में रचा पचा था, और इस जीवन में हमें अध्यात्मता को प्राप्त करना है।
तो उस यात्री को कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मैं इस वैष्णव परंपरा में वैष्णव मार्ग पर चल सकूं। उस यात्री ने राजा को दीक्षा दे दी और कहा कि देखो साधु संगति करना और भी शास्त्रों का अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन बिताना। इतना कहकर वो यात्री अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ा। अब पानी बहता भला, संत चलता भला, वो निकल गया और ये राजा अपने राज्य में पुनः वापस लौटा और अपने पुरोहित को बुलाया। कहते हैं उस पुरोहित का नाम था चेलुम्बिको। चेलुम्बिको नाम के उनके पुरोहित थे, वो साउथ के थे। तो उनको बुलाया और निवेदन किया कि मुझे अब अध्यात्म मार्ग पर चलना है, गुरुदेव बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके पुरोहित, पुरोहित का अर्थ ही होता है पूरम हित करोति इति पुरोहित, जो पूर्व में रहकर राजा का और प्रजा का हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। सो उस पुरोहित ने कहा कि महाराज संतों की सेवा कीजिए, संतों की सेवा करें, संतों के उपदेश सुने और संत गण जो उपदेश देते हैं उसका आचरण अपने जीवन में करें, इसी से ईश्वर प्राप्त हो गए, इसी से अध्यात्म मार्ग में प्रोग्रेस हो सकता है। राजा ने कहा बात तो सही है लेकिन संतों को पहचानेंगे कैसे? आज कलयुग में बहुत बड़ी करुणा प्रॉब्लम यही है। हम सब जानते हैं कि साधु सेवा संत के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे संत को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि कलयुग में बड़ी होड़ लगी है, प्रायः आग भौतिकता में तो लगी है, अध्यात्म में भी लगी है। एक संत दूसरे संतों की निंदा, दूसरे संतों की बुराई, ये वो बहुत कुछ चलता है। तो इस ऐसी अवस्था में सच्चे संत को कैसे पहचाना जाए? तब उस राजा के पुरोहित ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, हम सभा बुलवाते हैं और उस सभा में सारे संतों को बुलवाकर कुछ शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं और जब शास्त्रार्थ होगा, शास्त्र पर चर्चा होगी तो संत जब बोलेगा तो सब पता चल जाएगा। अब साधु का क्या होता है, साधु जब तक कुछ बोलता नहीं है तब तक उनके विषय में कुछ ज्ञान नहीं होगा, जब वो बोलेंगे तब पता चलेगा कि इनका भाव क्या है, मूड क्या है, इनमें ज्ञान कितना है। राजा को यह मत अच्छा लगा और राजा ने बड़े बड़े संतों की सभा बुलवाई। अनेकों संत आए और तत्व के ऊपर विचार होने लगे, लेकिन सारे संत मेहनत तो कर रहे थे लेकिन अल्टीमेट नॉलेज जो है, मतलब जो गोल जो है, जो एम है, उनको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, कुछ घट रहा था, राजा संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो एक और मदुराई के राजा बलदेव इस प्रकार से संतों को बुला बुला कर सच्चे संत को खोज रहे थे कि भाई कोई सच्चा संत मिल जाए। और दूसरी ओर, अब उसको थोड़ा होल्ड रखिए मदुराई को, अब दूसरी ओर आ जाइए, मद्रास में विल्लीपुर नाम के गांव में एक बहुत बड़े भक्त रहते जिसका नाम था मुकुंदाचार्य, और मुकुंदाचार्य की पत्नी जिसका नाम था पद्मा देवी। ये मुकुंदाचार्य और पद्मा देवी रोज अपने मद्रास में वटपत्रशाही, विल्लीपुर में वटपत्रशाही नारायण भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और मुकुंदाचार्य और पत्नी पद्मा रोज भगवान के चरणों में प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करें जिससे हमें कोई दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो जो सनातन धर्म भक्ति का प्रचार करे और हमारी गृहस्थी को धन्य करें। मैं अक्सर कहता हूँ पति पत्नी दोनों भक्त हो, भजन करते हो, तो फिर स्वयं भगवान या भगवान के भक्त उनके गोद में खेलते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ, मुकुंदाचार्य और पद्मा देवी के पुत्र के रूप में एक दिन भगवान के पार्षद गरुड़ ने मनुष्य के रूप में अवतार धारण कर लिया। स्वयं गरुड़ के अंश से ही इनके पुत्र विष्णु चित्त के रूप में प्रकट हो गए। अब हमारे पास ये तो स्टार्टर है, अब इसका पाठ मारने के तो केवल एक अलवर की एक कथा हो सकती है, लेकिन मैं तो संक्षिप्त में एक दो बातें बताना चाहता हूँ इनकी। जब इनका जन्म हुआ, पेरी अलवर का जब जन्म हुआ, तो
एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब जन्म हुआ तो इनकी माता को कोई वेदना नहीं हुई, इनकी क्योंकि प्रसव की वेदना होती है, माँ को बड़ा कष्ट होता है, सो इनकी माँ को कोई कष्ट नहीं हुआ। और प्राय बालक का जब जन्म होता है तो वह रोते हुए प्रकट होता है, लेकिन यह जब आए, इनके पुत्र का जब जन्म हुआ तो रोते हुए नहीं, बड़े प्रसन्न चित्त से प्रकट हुए। और बड़ी विलक्षणता थी इस बालक में, बचपन से ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश ज्योति आभा निकल रही थी। जब इनके सात वर्ष पूर्ण हुए तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सातवें वर्ष में जनोई धारण हुई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और सात वर्ष की उम्र से ही इनका मन भगवान में लगने लगा। अन्य साधारण बालकों की तरह खेलना कूदना ये वो आज के बच्चों की तरह नहीं था, इनका चित्त निरंतर भगवान विष्णु में लगा रहता था। और इसलिए दुनिया वालों ने इनको नाम ही दे दिया, इनका चित्त विष्णु में लगा रहता है, इसलिए इनका नाम है विष्णु चित्त, विष्णु चित्त आलवार, जिनका चित्त भगवान विष्णु में लगा है। ये निरंतर भगवान विष्णु के मंदिर में ही पड़े रहते हैं, ये दिन भर भगवान विष्णु के मंदिर में रहते हैं और दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, जाप करते। धीरे धीरे दिन महीने साल बीते, जब ये बड़े हुए कुमार अवस्था में, तब एक दिन रात को देरी तक इन्होंने भजन किया, कीर्तन किया, और जब इनकी आँख लग गई, मंदिर में ही सो गए, तो स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, विष्णु चित्त को दर्शन दिया। ये पेरिये आलवार विष्णु चित्त को दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि विष्णु चित्त, मेरी इच्छा है कि तुम सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में लहराओ। मेरी इच्छा है इस दुनिया में जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, उनका खंडन करो और मेरी साकार स्वरूप साकार भक्ति का मंडन करो। और ये करने के लिए विष्णुचित्त तुम मदुराई जाकर राजा बलदेव की सभा में जाकर वहाँ पर तुम बड़े बड़े विद्वान पंडित आए हैं, तुम उसे ज्ञान प्रदान करो, मेरे प्रेम और भक्ति का मार्ग प्रकट करो और सिद्ध करो कि ईश्वर से प्रेम करना यही सबसे बड़ा मार्ग, भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। तब विष्णुचित्त ने कहा भगवान से कि प्रभु मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ा लिखा, मुझे कोई मंत्र श्लोक नहीं आते, और आप मुझे निवेदन करते मैं आपकी आज्ञा को ठुकरा भी नहीं सकता। प्रभु काष्ठेर पुतली, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूं, मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक साधन हूं, प्रभु आपको जैसे मुझे नचाना है नचाओ, आप मुझे मेरा इस्तेमाल करके आपको धर्म का जिस प्रकार से प्रचार करवाना है मैं तैयार हूं, लेकिन आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा मेरी कृपा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा हुई और विष्णु चित्त अर्थात पेरिय आलवार मद्रास से निकलकर मदुरा के लिए रवाना हुए। जब वो मदुरा गए तो महाराज बलदेव जी ने इनका बड़ा स्वागत किया, संतों की सभा तो लगी हुई थी, वे खोज ही रहे थे कि कोई उत्तम संत मिल जाए, और उन संतों की सभा में विष्णु चित्त जी गए, उनका सम्मान किया, आदर किया, और विष्णु चित्त जी ने प्रवचन किया। अब जिन पर भगवान की मेहर हो, स्वयं भगवान ने जिनको भेजा हो, उनकी वाणी में उनके प्रवचन में क्या ताकत होगी, क्या पवित्रता होगी। उन लाखों की सभा में विष्णु चित्त जी ने तत्व का निरूपण किया, भक्ति का निरूपण किया, ये साबित किया। उन्होंने अनेक वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों के प्रमाण को लेकर भगवान साकार है, साकार की उपासना ही महत्वपूर्ण है और भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है, इन सारे सिद्धांतों को साबित किया और सारे विद्वान चुप हो गए, किसी को हिलने का बोलने का मौका नहीं मिला। और महाराज बलदेव बड़े प्रसन्न हुए और महाराज बलदेव ने विष्णु चित्त जी को अपना गुरु बना लिया, उनके चरणों में गिर गए
और इतने प्रसन्न हुए महाराज बलदेव, उन्होंने अपने मदरा में बहुत बड़ा जुलूस निकाला, हजारों लाखों लोगों को बुलाया, हाथी घोड़े और बहुत बड़ी हाथी और उसकी अंबाड़ी में अपने ये विष्णु चित्त पेरी अलवार को बिठाया और पूरे राज्य में उनकी परिक्रमा करवाई। और उस समय की बात है कि इतना बड़ा सम्मान राजा ने विष्णु चित्त को दिया, लेकिन विष्णु चित्त को अच्छा नहीं लगा, इनका हृदय रो रहा था। नीचे सब लोग बाजे बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, विष्णु चित्त महाराज की जय, पेरी अलवार की जय जयकार हो रही थी, लेकिन इनके हृदय में बड़ा कष्ट था। वे भगवान से आकाश में देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु ये क्या चल रहा है, प्रभु ये सब कुछ करने कराने वाले आप हो, मैं मूढ़ अज्ञानी, प्रभु ये सब कुछ आपने कराया और नाम मेरा हुआ, सारी मेहनत आपकी, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं और आप मेरा नाम बढ़ा रहे हो, प्रभु ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, इनको जरा भी मानेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, इनको मान प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगी। और करुण हृदय से जब इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगे, आकाश में देखें तो देखा उस फेस्टिवल का दर्शन करने के लिए आकाश में सारे देवी देवता और सभी देवी देवताओं के बीच में स्वयं भगवान नारायण और स्वयं उनके साथ महालक्ष्मी उपस्थित थे। भगवान भी अपने भक्त की ख्याति देखना चाहते हैं, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनका भक्त जब इस प्रकार ख्याति, जलन तो दुनिया वालों को होती है, ये जलन जो होती ना वो हम लोग जैसों को होती है, वो कैसे आगे निकल गया, उसकी क्यों प्रशंसा हो रही है, खींचो धोती गिराओ इसे, ये सब मनुष्य समाज में। भक्त जब कोई प्रोग्रेस करता है तो ईश्वर बड़ा प्रसन्न होता है। स्वयं भगवान और महालक्ष्मी प्रकट हुई, दर्शन दिया और भगवान इशारे में कह रहे, विष्णु चित्त क्या बात है, बड़े सज रहे हो, हाथी पर बैठे हो। विष्णु चित्त जी को लज्जा आई और भगवान से कहा, प्रभु ये क्या गलत करा रहे हो, सब कुछ कराया आपका है और नाम। विष्णु चित्त ने गीत गाया, आप कहो तो मैं गाऊं, विष्णु चित्त जी ने गीत गाया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो केवल नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सो इस प्रकार से विष्णु चित्त जी ने महाराज बलदेव जी का उद्धार किया, सत ज्ञान प्रदान किया और उस राजा को प्रचार करने से, गीता में जैसे कृष्ण कहते हैं ना, यदाचरति श्रेष्ठस्त सयत प्रमाणम कुरुते, उस राजा जब डिओटी बन गया तो पूरा साउथ को ये पता चल गया और लगभग आधा भारत भक्त बन गया, भगवान विष्णु को साकार स्वरूप को मानने लगा। और पुनः विष्णु चित्त जी पेरी अलवार अपने विल्लीपुर गांव में आ गए और अपने गांव में आकर उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। अब मेन पॉइंट ये है, उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में हम लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। विष्णु चित्त जी ने बहुत सुंदर निवेदन किया, वे कहते हैं कि सात लोगों को क्षण भर में निगल जाने वाले स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम में विराजते हैं, वे भगवान विष्णु अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वे भगवान विष्णु कैसे भक्तों के साथ रहते हैं, तो सबसे पहले जो दोष रहित है, इस श्लोक में लिखा है, जो दोष रहित है, जो सद्गुण संपन्न है, जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है, जो उदार मन वाला है, लोभियों के साथ भगवान रहते ही नहीं है। मतलब विष्णु चित्त जी यहां पर लिखते हैं,
आप नोट कर लीजिए, भगवान किसके साथ रहते हैं? कहते हैं जो दोष रहित हैं, एक, दूसरा जो सतगुण संपन्न है, तीसरा जो ईर्ष्या नहीं करता। ये पॉइंट आया ना, इसमें 90% लोग निकल जाते हैं, 90% आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ईर्ष्या तो हम कर ही लेते हैं। सो जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है उनके साथ भगवान रहते हैं। उदार मना, जिसका मन उदार है। मैं आपको याद कराऊं, कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सुखदेव जी ने नंद बाबा को क्या कहा, नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना। नंद के घर पर कृष्ण प्रकट हुए, कारण क्योंकि नंद का मन महान था। भगवान बहुत बड़े हैं और वो बड़े भगवान बड़े दिल वालों के घर में प्रकट होते हैं, बड़े मन वालों के घर में प्रकट होते हैं। जिसका मन बहुत नैरो है, बहुत सांकड़ा सांकड़ा मन वाला जैसे ना, सांकड़ा दिल वाला, वहाँ भगवान फिट ही नहीं हो पाते। भगवान सोचे छोड़ो यहाँ कौन रहेगा, मन बड़ा होना चाहिए। और विष्णुचित जी कहते हैं, और जो गुरु का अनुसरण करते हैं भगवान उनके साथ रहते हैं। कि मनुष्य का शरीर धारण करके जो नरक की यातना से त्राण दिलाने वाले प्रभु का नाम नहीं लेता, भगवान का नाम कैसा है, हमें नरक से मुक्त कर देता है, नरक की यातना से मुक्त कर देता है। सो विष्णु चित्त जी पेरी आलवार कहते हैं इस श्लोक में कि मनुष्य का शरीर धारण करके नरक की यातना से मुक्त कराने वाले भगवान का नाम नहीं लेता। ध्यान से सुनिए, हाय, वे अफसोस करते हुए कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो महामंत्र का जाप नहीं करता, हाय रे हाय, उनके पीने वाले जल एवं पहनने वाले वस्त्र भी पाप पूर्ण है। वो जो भगवान का नाम नहीं लेता, वो पानी पी रहा है ना, वो पानी नहीं पी रहा, वो पाप पी रहा है। भगवान का नाम नहीं लेने वाला आदमी जो वस्त्र पहन रहा है, वो वस्त्र नहीं पहनता, वो पाप पहनकर घूम रहा है। बहुत सुंदर, ये एक नया दिव्य भाव आपको प्राप्त हो रहा है। सो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का नाम लेना चाहिए। सो विष्णु चित्त जी कहते हैं, विशाल बाहु में चक्र धारण करने वाले प्रभु का जो पाषाण हृदय लोग कभी स्मरण नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का जो स्मरण नहीं करते, उसका हृदय पत्थर जैसा है। वो पत्थर हृदय, पत्थर दिल है जो भगवान विष्णु का भजन नहीं करते। वे सचमुच इस पृथ्वी पर पत्थर की तरह भार ही है। जो भगवान विष्णु का भजन नहीं करते वो पत्थर की तरह इस पृथ्वी पर बोझ है, भार है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक पर केवल भार है। और कहते हैं कि वे भोजन तो करते हैं, उसको हटा दो और उनके मुंह को, वो जो भोजन, मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता, उसके मुख में से भोजन हटा दो और उसके मुख में घास भर दो कि भोजन इसको मत खिलाओ जो भजन नहीं करते हैं। जो भजन नहीं करते हैं उसको भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं उनके मुख से भोजन हटाकर उनके मुंह में घास भर देना चाहिए, क्योंकि वो प्राय पशु के समान है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन नहीं करते। अंत में वे कहते हैं कि जो प्रभु वैकुंठ में निवास करते हैं, अपने धाम में निवास करते हैं, जो शरीर के भगवान शरीर के पांच तत्व, पांच यज्ञ, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय के परस्पर संबंधों से भली भांति परिचित है। माने इस संसार में जो डिवोटी, जो भक्त, जो मनुष्य पांच तत्वों को जानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जो पहचानता है, फिर पांच यज्ञ, पांच प्रकार के यज्ञ होते ना, हरि नाम यज्ञ, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, फिर वो प्रसाद भी एक यज्ञ,
तो पंच यज्ञ को जो जानता है, फिर पांच कर्मेंद्रियों को जो जानता है, पांच ज्ञानेंद्रियों को जो जानता है, और इन सबको परस्पर, इन सबका परस्पर संबंध भली भांति पूर्ण रूप से जो जानता है, और साथ ही साथ वे नरसिंह भगवान का गुणानुवाद करते हैं और उनके चरण स्पर्श से वह पार्थिव धरती भी पवित्र हो जाती है। दो चीज कही गई, जो तत्व ज्ञान रखते हैं उसे पांच 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 वाली चीजों का ज्ञान, और दूसरा जो नरसिंह भगवान, नरसिंह माने कृष्ण विष्णु का जो गुणगान करते हैं, ऐसे भक्त जब पृथ्वी पर अपना चरण रखते हैं तो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। पाद माने चरण, भगवान का भगत जब पृथ्वी पर चरण रखता है तो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, पृथ्वी अपने आप को धन्य समझती है। सो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है। सो इस प्रकार से हमारे परम आलवार भगवान विष्णु के अंश अवतार, गरुड़ के अंश अवतार पेरी आलवार ने कहा, मनुष्य जीवन मिला है तो भगवत तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, इसी से पृथ्वी धन्य होती है, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारा समाज धन्य होता है, हमारे गुरु धन्य होते हैं। सो भक्तों, यदि हम चाहें, आजकल तो क्या है, लोग सोचते हैं कि डिग्री विग्री ले लेंगे, पैसे वैसे कमाएंगे तो सब, हम सबका नाम सब फेमस हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होता। यदि वास्तव में हम हमारे समाज के लिए, देश के लिए, गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भगवत ज्ञान को ग्रहण करें, भगवान का गुणानुवाद करें, इसी से देश, समाज, हमारे माता पिता, हमारे गुरु का कल्याण होगा। सो हमारा परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से और हमारे चतुरात्मा प्रभु के इस परिवार, पटेल परिवार के सहयोग से हम सब भगवान का गुणानुवाद, भगवत तत्व का ज्ञान आदि श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में वर्णन, भगवान गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, और भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि सृष्टि और प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। प्रजा की उत्पत्ति करने हेतु ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 10 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को प्रकट किया, अपने हाथों से, अपने गोद से, अपने मस्तक से, अपनी जंघा से, इस प्रकार से अपने अंगों से किसी का सहारा लिए बिना 10 पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को कहा कि भाई भगवान की आज्ञा है, आप सब लोग शादी कर लो और शादी करके बच्चे बच्चे प्रकट करो ताकि ये संसार थोड़ा सा भर जाए। उन 10 ने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी जो भी हो हम शादी नहीं करेंगे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा, शादी करो। बोले नहीं पिता, आप कहो तो आपके चरण दबाए, आपका बुढ़ापा पाले, आप जो भी कहो हम करेंगे, लेकिन शादी का कोई मूड नहीं है हमारा, क्योंकि हमें भजन करना है, ईश्वर को पाना है, हम सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, शादी नहीं करेंगे। जब 10 पुत्रों ने वन बाय वन ब्रह्मा जी को मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी को आया बड़ा क्रोध, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया उसी समय ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। वो बालक रोता हुआ प्रकट हुआ, भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रोता हुआ वो बालक प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ रुद्र, रोते हुए आए इसलिए रुद्र, इसका एक अर्थ ये भी है। और देखते ही देखते वे बड़े हो गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे, पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारे 10 भाई जो है कुछ काम के नहीं है, तुम प्रकट हुए हो, मुझे पूछ रहे हो क्या आज्ञा है, तो एक काम करो, प्रजा की उत्पत्ति करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, ये सृष्टि को भरो। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। शिव जी अपने स्थान पर गए। अब जैसा जिसका स्वभाव, ऐसा प्रोडक्शन,
शिव जी का स्वभाव, शिव जी तमोगुणी सृष्टि करने लगे, क्योंकि भगवान ने स्पेशली तमोगुण के देवता के रूप में प्रकट किया था। तो शिव जी भूतों को प्रकट करने लगे, पिशाच को प्रकट किए, वेताल को प्रकट किए, सर्प, बिच्छू, रुद्रगण, बिल्कुल बेढंगी सृष्टि होने लगी। और शिव जी के द्वारा उत्पन्न वह जीव पूरे संसार में आतंक मचाने लगे। इतना आतंक मचा, इतना आतंक कि धीरे धीरे वो स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी को फोन किया, बेटा तू ये सृष्टि का काम जो ना ये छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे नाक में दम कर दिए। तुम एक काम करो, ये सृष्टि का डिपार्टमेंट छोड़ दो, प्रलय का डिपार्टमेंट सूट करता है तुम्हारे लिए, प्रलय का डिपार्टमेंट जो है वो बेटर, बहुत अच्छा है। शिव जी ने मन में सोचा, मैं तो यही चाहता था, पिता की आज्ञा को कौन ठुकराए। तो इस प्रकार से शिव जी फिर प्रलय के देवता बन गए, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है। सो इस भागवत के अनुसार शिव जी के प्राकट्य का दिन जो है वो है महाशिवरात्रि। और फिर अन्य पुराण, अन्य कथन के अनुसार ये महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह का दिन है। शिव जी का विवाह हुआ था हिमालय की कन्या पार्वती के साथ। अब आप लोग कहोगे कि भाई एक ही दिन जन्म हुआ और इसी दिन विवाह हुआ, ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं हो सकता? कई बार कुछ लोग नहीं सेटिंग करते हैं कि अपना जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन को वो शादी करते हैं। कई बार नहीं, अपने बर्थडे के दिन कोई मोटर कार खरीदते हैं, कोई नई चीज़ खरीदनी होती है तो वो देखते हैं कि हाँ बर्थडे के दिन करेंगे। तो कोई आदमी अपने जन्म, अपने बर्थडे के दिन शादी कर सकता है। तो हम वैष्णव लोग शास्त्र के कथन को न ठुकराए और दोनों बातों को स्वीकार करें कि भाई शिव जी का जन्म भी हुआ था और कुछ साल के बाद शिव जी का विवाह हुआ था। तो शिवरात्रि की पहली महिमा शिव जी का जन्म, ये भी कंसीडर हमें करना चाहिए। दूसरा शिव जी का विवाह। शिवरात्रि की तीसरी महिमा स्कंद पुराण के नागर खंड में बताई गई है। एक शिव जी का जन्म, दूसरा शिव जी का विवाह, और शिवरात्रि की तीसरी महिमा स्कंद पुराण के नागर खंड में कुछ इस प्रकार से कही गई है। आप लोग श्लोक के अनुसार ही इसको देख सकते हैं। यानि कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देव तेषु संक्रमते देव तस्याम रात्रो यतो हर तस्याम रात्रो यतो हर। स्कंद पुराण नागरखंड में कहा गया कि शिवरात्रि की तीसरी महिमा क्या है कि बोले महाशिवरात्रि के दिन यानी क अन्यत्र लिंगानी, यानी माने जहां और क अन्यत्र जहां तहां, इस दुनिया में जहां तहां लिंगानी, लिंगानी माने शिवलिंग है, इस दुनिया में यहां वहां जहां तहां कहीं भी शिवलिंग है, जहां भी शिवलिंग की स्थापना है, कैसे शिवलिंग? तो कहते हैं स्थावराणी चराणी च। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सरल अर्थ में आपको कहूं कि इस दुनिया में स्थावराणी छोटे शिवलिंग हो या बड़े शिवलिंग हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्राजील में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, शारजा में हो, आबू धाबी में हो, इसका अर्थ ये हुआ। यानी क अन्यत्र लिंगानी, दुनिया में किसी भी कोने में, छोटी या बड़े, घर में हो या मंदिर में हो, जहां तहां भी शिवलिंग होता है, इतना समझ गए? तो जहां तहां भी छोटे बड़े मंदिरों में, घरों में जो शिवलिंग है दुनिया में कहीं भी, तेषु संक्रमते देव, संक्रमते महाशिवरात्रि के दिन, तेषु वहां पर देव, देवाधिदेव महादेव, तस्याम रात्रो यतो हरि, महाशिवरात्रि के दिन रात को साक्षात देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण
दुनिया के प्रत्येक शिवलिंग में महाशिवरात्रि के दिन स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट होते हैं। साक्षात देवादिदेव महादेव दुनिया के सभी शिवलिंग में आते हैं। कितना बड़ा दिन है ये, दुनिया का सबसे बड़ा वैष्णव अपना दर्शन देने के लिए 365 दिन में एक बार। यूं तो कोई देवता धरती पर आता नहीं है, लेकिन ये देवताओं का भी देव महादेव धरती पर महाशिवरात्रि के दिन दर्शन देने आ। दर्शन कीजिएगा, ये हमारे परम वैष्णव है, अवश्य इनके दर्शन कीजिएगा। फिर आगे क्या कहा गया, 3 लाइन का ये श्लोक है। स्कंद पुराण में आगे कहते हैं, तेषु संक्रमते देवा तस्याम रात्रो यतो हरि हर 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 माने शिव जी। वो पहले दिन कहा था ना हर हर, कहा तो वो विमान टेक ऑफ हुआ। हम लोग हमारे जीवन के विमान को टेक ऑफ करना चाहते हैं तो हर बोलना चाहिए। सो ये तो हर इस महाशिवरात्रि के दिन रात को समस्त लिंगों में प्रकट होते हैं, इसलिए शिवरात्रि ततः प्रोक्ता, इसलिए इस रात को शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन का नाम शिवरात्रि इसलिए हुआ, प्रोक्ता माने प्रकृष्ट उक्ता, इसका नाम इसलिए शिवरात्रि कहा गया। पर एक बात याद रखिए, ये शिवरात्रि जो है तेन सा हरि वल्लभा, हरि माने भगवान विष्णु, वल्लभ माने प्रिय, ये शिवरात्रि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि आज के दिन उनका महान भक्त वैष्णव इस धरती के प्रत्येक शिवलिंग में प्रकट होता है। सो इस प्रकार से शिव महाशिवरात्रि की ये महिमा, 3 महिमा हुई, एक शिव जी का जन्म, दूसरा शिव जी का विवाह, और तीसरा महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक शिवलिंग में वैष्णवा नाम यथाशंभु का प्राकट्य। दक्ष प्रजापति के मन में इतनी आग जलने लगी कि बोले मेरे आने पर वो खड़ा नहीं हुआ। दक्ष को बड़ा अभिमान हुआ, और फिर अभिमान के चलते दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आयोजित किया, बहुत बड़ा यज्ञ। लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था, शिव जी का अपमान करना। मैं अक्सर कहता हूं कि भागवत भी एक यज्ञ है, हरिनाम भी एक यज्ञ है, भक्ति भी एक यज्ञ है, ये सारे कार्य लोगों का हित करने के लिए होने चाहिए। किसी की कंपटीशन में या किसी को नीचा दिखाने के लिए भागवत हरिनाम या भक्तिमय कोई साधन करेंगे तो वह हमारा साधन परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसका ज्वलंत प्रमाण दक्ष प्रजापति का यज्ञ है। सो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। कथा बहुत सुंदर है, दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बिल्कुल चुन चुन के इनविटेशन कार्ड भेजे, और कार्ड में लिखा था विद फैमिली, सह परिवार आप सब लोग आइएगा, लेकिन एक निवेदन है, रास्ता भले दूर पड़े लेकिन आप आओ तो कैलाश के ऊपर से होकर आना, बस इतनी इतनी केवल मेरी रिक्वेस्ट है। चांडला प्रथा बंद है, चांडला प्रथा होता है आप में, वो चांडला प्रथा जो है मतलब जो गिफ्ट लाना वर्जित है, गिफ्ट विफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी गिफ्ट यही होगी कि आप लोग अपना विमान जो है ना कैलाश के ऊपर से होकर लाइएगा, ताकि उस शिव को पता चले कि दक्ष का अपमान करने का क्या फल मिलता है। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने शिव जी को यज्ञ से ही हटा दिया, और सारे देवता अब शिव जी सती को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनते सुनते ऊपर से विमान जा रहे हैं। कुछ लोग होते ना कथा सुनते हैं और फिर आगे तो कुछ आजू बाजू कुछ हिलता है, कोई एक्टिविटी होती है ना, तो कथा में ध्यान कम और अदर एक्टिविटी में ध्यान ज्यादा होता है। सो सती को बिचारी को यही हुआ, विमान जा रहे थे, शिव जी की कथा में ध्यान कम विमान में ज्यादा, ये विमान क्यों जा रहे हैं। सती ने पानी पीने का बहाना बनाया और वहां से खड़ी होकर गई, किसी एक विमान को इशारा किया, नीचे उतारा, और देवता सज धज कर विमान को सजा कर अपने आप सज धज कर जा रहे थे। सती ने एक देवता को पूछा, बोले इतने सारे विमान आज कैलाश से जा रहे हैं, बोले कुछ जा कहां रहे हो आप, कौन सा उत्सव कौन सा फेस्टिवल है। अब देवता तो बड़े चालू होते ना, बड़े 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 आग्रही होते हैं देवता। अच्छा आप नहीं जानते हो,
सत्य ने कहा नहीं जानती इसलिए तो पूछ रहे हो। ओ आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आपको ही नहीं पता। अब सीधा सीधा बोल के चला जाना, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा रस आता है इसमें, बड़ा आनंद आता है किसी को जलाने में, किसी को दुखी करने में, बड़ा आनंद। सती ने कहा नहीं मेरे पिताजी ने तो वो पूरी दुनिया को बुलाया, हम सबको विथ फैमिली बुलाया, इतने दिन पहले निमंत्रण दिया गया, चांडला प्रथा भी बंद है, बिल्कुल फ्री में आयोजन किया गया और आपको नहीं बुलाया। ओ हो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इस प्रकार से देवता ने सती को बहुत जलाया। सती आई शिव जी के पास और आकर कहने लगी कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, पूरी दुनिया यज्ञ में जा रही है, पतिदेव आपको नहीं लगता है कि हमें भी जाना चाहिए? शिव जी ने कहा नहीं जाना चाहिए। सती पछी गुजराती में चालू करो, तमें तो क्यारे मारू मानो ज नहीं, अमारे जवु है अमारा पियर अने तमने $1,000 भारे पड़े, तमें क्यारे हमने भारत जवाद न दो, ऐसा है ना वैसा है। सती बहुत बोलने लगी। शिवजी ने कहा देखो सती, मैंने कहा नहीं जाना है तो समझ जाओ ना नहीं जाना है। सती ने कहा प्रॉब्लम क्या है? शिवजी ने कहा निमंत्रण नहीं है, पूरी दुनिया को निमंत्रण, हमको निमंत्रण नहीं। सती ने कहा पिता के वहां निमंत्रण होता है, पिता के वहां, गुरु के वहां, मित्र के वहां निमंत्रण की राह नहीं देखते पतिदेव। शिवजी ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि पिता के वहां बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, गुरु के वहां निमंत्रण की राह नहीं दे, कुछ लोग निमंत्रण की राह देखते हैं। हमें तो कथा में आना है लेकिन हमको इन्विटेशन नहीं है, तो क्या रेस्टोरेंट में इन्विटेशन होता है? ये मूवी देखने फिल्मों में इन्विटेशन होता है कि नया शुक्रवार को मूवी लगा है और हम आपसे करबद्ध नम्र निवेदन करते हैं कि विद फैमिली आप ये पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आइएगा, और प्रसाद भी है वहाँ का होता है ना, जो भी है भोजन की व्यवस्था भी, कोई इन्विटेशन कोई निमंत्रण नहीं, फिर भी हम लोग जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं। और गुरु के वहाँ, भगवान के वहाँ, भागवत में निमंत्रण की राह देखते हैं। ये सब एक्सक्यूज हैं, ये सब बहाने हैं। शिवजी ने कहा बात सही है कि गुरु के वहाँ, भगवान के वहाँ, मित्र के वहाँ निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, लेकिन देवी यदि गुरु भगवान और मित्र निमंत्रण देना भूल गए हो तो, जानबूझकर हमको निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो नीति कहती है हमें कतह नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी तुम मेरी बात मानो, फिर कभी जाएंगे, अभी तुम कथा सुनो। अब कथा में मन किसका लगे? सती कहने लगी वहाँ मेरी बहन आई होगी, वहाँ मेरे भांजे आए होंगे, मेरी चाचा, मामा, ताऊ, मेरी मौसी, वहाँ सब लोग आए होंगे, सबको मिलना होगा और आप मना करते हो। शिवजी ने कहा अब छोड़ो ये बातें, कथा में ध्यान दो। बोले नहीं मुझे जाना है। बार बार शिवजी ने रोका। सती ने कहा कि देखो यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तो, ये जेब में ही रखती है कुछ महिलाएं, तो पॉइजन की बोतल निकाली, जहर की बोतल, वो जेब में ही होती है जहर की बोतल। अब देखो आप नहीं जाने दोगे, नहीं मानोगे तो ये जहर अब भी पी लूंगी और आत्महत्या कर लूंगी। शिव जी ने मन में सोचा कि मैं यदि इसको जाने दूंगा तो वहां ये मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी और उनका प्राण छूट जाएगा, नहीं जाने दूंगा तो जहर की बोतल हाथ में लेकर ही बैठी है, तो मतलब नहीं जाने दूंगा तो जहर पीकर मरेगी, जाने दूंगा तो वहां उसके बाप के अपमान से मरेगी। अब मरना तो इसने तय कर ही लिया है, तो शिव जी ने सोचा कि मेरे वहां मरे उससे अच्छा है उसके बाप के वहां ही मरे हैं, क्योंकि यहां मरेगी तो ऑलरेडी दक्ष प्रजापति का क्रोध है, ऊपर से कोर्ट में केस ठोक देगा और हियरिंग में रोज जाना पड़ेगा, ये भजन भक्ति सब छूट जाएगा। शिव जी ने डिसीजन लिया, कोई बात नहीं देवी, मैं तो अभी भी मना कर रहा हूं लेकिन तुमने ठान ही लिया है तो जहर मत पियो, तुम जाओ। यहां पर माताओं के लिए थोड़ा सा यही निवेदन कि जब पति, सास ससुर, गुरु जब कुछ निवेदन करते हैं तो हठ को छोड़कर कुछ भविष्य के ऊपर विचार करके उन बातों को समझना चाहिए, केवल इतना सा यहां पर सीख है। तो अब तैयार हो गए, अब कथा में तो हम कहा करते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, चिंतन करते हैं,
तती अपनी बेग भर रही है, अपना थैला अपना झोला तैयार कर रही है, और झोला भरते हुए कहती है कि अभी भी मैं कहती हूँ, वो बेडरूम से बोल, अभी भी कहते हूँ आपका माइंड चेंज हुआ है तो आपके दो जोड़ी डाल दूँ। अब शिव जी के दो जोड़ी, शिव जी का ज़्यादा कुछ था नहीं, वो तो हमारा होता है बहुत सारी चीज़ें हमको लेनी होती हैं जब यात्रा करते हैं। शिव जी का क्या मृग चर्म था, वो भी मुश्किल से पार्वती देवी सती बहुत कहती थी तब पहनते थे, बाकी ये तो फक्कड़ बाबा दिगंबर। तो अब दो जोड़ी डाल दूं, बोलो अभी भी समय है, आप साथ में चलना चाहते हो, बार बार पूछ रही है, शिव जी मना कर रहे हैं। अंत में शिव जी ने नंदी को बुलाया, कहा कि इस सती को जरा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में छोड़ कर आओ, नहीं तो उसका बाप कहेगा कि बेटी के लिए गाड़ी भी नहीं भेजता है। कैसा आप दामाद चुना है कि बेटी को घर पर गाड़ी में भी नहीं भेजता है, सरकारी बस सरकारी ट्रेन में भेजता है। तो नंदी को स्पेशल कहा कि इसको छोड़ कर आओ। नंदी पर सवार होकर देवी सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची। ये यज्ञ कहाँ हो रहा था जानते हैं, हरिद्वार में। तो सती जब आई उस यज्ञ में तो देखा कि दुनिया भर के लोग खचाखच, बड़े बड़े मंडप सब कुछ बने हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं। और सती ने देखा कि सब लोग आए, हमको ही नहीं बुलाया। सती ने कई लोगों को पूछने का प्रयास किया कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सती सीधे अपनी माँ प्रसूति के पास चली गई, नाम प्रसूति था दक्ष की पत्नी का, और अपनी माँ प्रसूति को कहा, माँ तू ही बता प्रॉब्लम क्या है, हमको क्यों नहीं बुलाया। तब प्रसूति ने कहा कि पिछली बार जब यज्ञ था तुम्हारे पति कुछ जबकि आ गई होगी तो तुम्हारे पिताजी के आने पर खड़े नहीं हुए, तो इनको इतना बुरा लग गया कि केवल वह बुरा लगने के कारण उनका नाम बदनाम करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। जब इस प्रकार से सती ने सुना, ओ मेरे पति का नाम बदनाम करने के लिए इतना बड़ा उपक्रम रचा गया, तब सती को बड़ा क्रोध आया। भक्तों ये कथा भागवत में भी है, ये कथा रामायण में भी है, ये कथा शिव पुराण में भी, आप देखो तो सही कितने स्थानों पर इस कथा का वर्णन, कितनी इंपॉर्टेंट ये कथा होगी। ऐसा वर्णन है, सती बहुत बड़े उच्च आसन पर चली गई ताकि जितने भी लोग यज्ञ में आए हैं उनको देख सके, उनको सुन सके, और उच्च आसन पर जाकर सती ने ऐलान किया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर ही निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू, भली भांति पछिताही पिताहू। सती ने कहा, सुनू सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदो कान खोलकर मेरी बात सुनो, इस सभा में जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पति की निंदा की है, इस सभा में जिस किसी ने शिव जैसे महात्मा की, शिव जैसे देव की निंदा की है, वो सब आज मरेंगे, उन सबको फल मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर ही निंदा, अने सो फल तुरंत लहब सब काहू, शिव जैसे वैष्णव की निंदा अपराध करने वाले को तुरंत फल मिलेगा, और भली भांति पछिताब पिता हूं, और ये मेरा बाप ये मेरा पिता भली भांति पछताएगा, ये मेरे पिताजी ये भरी सभा में, अब माता जी ने सब कुछ बता दिया था क्या क्या हुआ था, ये मेरे पिताजी भरी सभा में कहते हैं कि शिव जी को कोई ज्ञान नहीं है, शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन ये क्या जाने भस्म क्यों लगाते हैं, संसार के जीव को सीख देने के लिए कि शरीर एक ना एक दिन शमशान की भस्म बनेगा,
कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए घर नहीं बनाया, ये उनका वैराग्य, ये उनकी महिमा है, घर नहीं बनाया। मेरा पति शिव जो दूसरों को डोनेशन में दान में सोने की लंका दे सकता है तो खुद के लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये शिव की महिमा है, ये उनका वैराग्य, तुम लोग क्या समझो, तुम लोग क्या शिव की महिमा को जानोगे। मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी, ये शिव जो है शमशान में उठता बैठता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, ये शिव भूतों के साथ क्यों रहते हैं, ये उनकी महिमा है, ये उनकी महानता है। क्या महानता है? शिव जी की करुणा है कि इस दुनिया में देवताओं के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि, लेकिन भूतों का उद्धार कैसे होगा, प्रेतों का उद्धार कैसे होगा? तो भूतों का प्रेतों का उद्धार करने के लिए मेरा पति शिव शमशान में रहता है कि थोड़ा एसोसिएशन दूं, इन भूत प्रेत के साथ कुछ देर रहूं ताकि उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो। और आप लोग कान खोल कर सुनो, मेरे पति ने, शिव ने उन भूत प्रेतों में भी गुण देखा है। दोषान परेशान ही गुणेषु तादवो ग्रहन्ति केचिन भवा दृशो द्विज, श्रीमद भागवत चतुर्थ स्कंद सती बोली है, गुणांश फलगुण बहुली कृष्णवो महत्तमास्ते श्वण विद्वाद्धमा। इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं। जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं ना, वो दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं। हम लोग जैसे हैं? आप जैसे नहीं, मैं अपनी जात को पहले रख रहा हूं। जो दूसरों के गुणों में भी दोष, कोई कुछ अच्छा बोलता है, कोई कुछ अच्छा गाता है, वो नहीं देखेगा, लेकिन थोड़ी सी गलती होगी भाई उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। गुणों में भी दोष, जो दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, वो थर्ड क्लास का आदमी, थर्ड क्लास का। फिर जो दूसरों के गुणों में गुण और दूसरों के दोष में दोष जो देखता है, वो सेकेंड क्लास का आदमी है। गुणों में गुण देखे और दोष में दोष देखे, वो भी फर्स्ट क्लास नहीं है, वो भी सेकेंड क्लास है। लेकिन फर्स्ट क्लास का आदमी कौन है? जो दूसरों के दोष में भी गुण देखता है, दूसरों की गलती को भी वो अच्छाई में देखता है, ये फर्स्ट क्लास का आदमी है। और फर्स्ट क्लास से भी एक ऊपर का क्लास है जिसे महात्मा कहते हैं। जो थर्ड क्लास के हैं वो दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, सेकंड क्लास के हैं दूसरों के गुणों में गुण, दोषों में दोष, और फर्स्ट क्लास के जो हैं दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, सब लीला आप जानते हैं, और गुंडीचा मंदिर मार्जन में वो झाड़ू ठीक से नहीं लगा रहा, तो महाप्रभु ने कहा कि वाह कितना अच्छा झाड़ू लगा रहा है, आपको तो ट्यूशन क्लास खोलना चाहिए। दोष में भी गुण देखते हैं। लेकिन जो किसी के थोड़े से गुण को देखकर, थोड़े से, और उसे बहुली करिष्यति, उसे बहुत बड़ा मान लेता है। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया, लेकिन कृष्ण ने उनको कितना बड़ा मान लिया कि आज तक कृष्ण रो रहे हैं कि सुदामा ने जो दिया उसका मैं बदला नहीं चुका पाया। इसे महानता कहते, इसे ऊंचाई कहते हैं कि थोड़ा भी कोई व्यक्ति कुछ करता है उसको बहुली करिष्यति, उसे बहुत बड़ा समझता है और समाज में उसका प्रचार करता है कि भाई इसने बहुत बड़ा काम किया, किया थोड़ा, जो थोड़ा सा काम को देखकर बड़ा मानता है, समझता है और बताता है, प्रस्तुत करता है, उसे वेद महात्मा कहता है, वो महात्मा है। और मेरा पति ये शिव महात्मा है, तुम लोग क्या जानो। सती कहती है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनय जहां तह असिमरियादा, सुनय जहां तह
असिमरियादा काटियतासु जीव सो बसाई काटियतासु जीव सो बसाई श्रवण मुदीनत चलही पराई श्रवण मुदी नत चलही पराई। सती कहती है कि जिस सभा में शिव जैसे महात्मा शिव जैसे वैष्णव का अपराध हो रहा हो यदि ताकत हो ना तो अपराध करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए। यदि ताकत हो सामर्थ्य हो आप लीडर हो राजा हो कर सकते हो तो अपराध करने वालों की जीभ काट देनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो श्रवण मुदी कान बंद करके उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। हमारा क्या है ना हम लोग किसी की निंदा नहीं करते लेकिन एक बंदा दूसरे की निंदा करते ना वहां हम बैठकर आनंद उठाते रस लेते रस हाँ हा 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 फिर हम क्या कहते हैं हमने तो कभी किसी की निंदा नहीं की लेकिन निंदा सुनी तो है। जैसे भक्ति में श्रवण भक्ति मुख्य है वैसे अपराध और पाप में भी श्रवण भक्ति तो नहीं लेकिन वो दूसरों का श्रवण बुरा श्रवण करना ये भी मुख्य है। जैसे प्रथम भक्ति श्रवण वैसे पतन करने में भी प्रथम चीज जो है वो दूसरों का बुरा सुनना ये पतन है। और यदि किसी की निंदा हो रही हो तो कान मूंद कर वहां से सभा से चले जाना चाहिए। और मैंने आज शिव जैसे महात्मा का अपमान सुना शिव जैसे महात्मा की निंदा सुनी आज मुझे धिक्कार हो रहा है मेरे शरीर पर आज मुझे लज्जा आ रही है मेरे इस देह पर कि जिस दक्ष ने शिव जैसे महात्मा का अपमान किया आज उस दक्ष की बेटी कहने में मुझे लज्जा आ रही है। हे भृगु मुनि आप लोगों को बुद्धि नहीं थी ये मेरे पिता अपराध कर रहे थे तो आप लोग भी चुप रहे एटलीस्ट आप लोगों को तो चुप कराना चाहिए था। आप लोगों को भी दंड मिलेगा क्योंकि आपने मेरे पिता को रोका नहीं और चुपचाप वहां बैठे रहे। भक्तों जहां अधर्म होता है ना जो अधर्म करता है ये आश्चर्य नहीं है लेकिन जहां अधर्म होता है और धार्मिक लोग चुप बैठे रहते हैं चाणक्य पंडित कहते हैं ये सबसे बड़े दुख की बात है। सती ने कहा कि आप सबको दंड मिलेगा और मुझे धिक्कार है मेरे शरीर पर। उसी समय सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और सती ने कहा कि मैंने इन कानों से मेरे पति का अपमान सुना अब ये शरीर जीने के लिए योग्य नहीं है। जो पत्नी अपने कानों से अपने पति का अपमान सुने उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सती के शरीर से अग्नि प्रकट हुई और उस आग में जलकर भस्म हो गई। अब कहां सती जो अपने पति का जीवन में एक बार अपमान सुनी तो शरीर में आग प्रकट हुई और जलकर मर गई और कहां आज की पत्नी समय निकाल निकाल कर पड़ोस में जा जाकर अपने अपने पतियों की निंदा करती हैं मेरा तो ऐसा है मेरा तो ये करता है मेरा तो कुछ काम का ही नहीं है। कहाँ आज की पत्नी जो स्वयं से अपराध करती है और कहाँ सती जो गलती से एक बार अपमान अपने पति का सुना तो शरीर जलकर राख हो गया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में सती का शरीर जल गया। भक्तों जब ऐसी चीज होती ना तो नारद जैसे लोग बड़े उत्साहित होते हैं मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो नारद मुनि जो है वो तुरंत ये समाचार कैलाश में शिव जी के पास लेकर गए और नारद जी शिव जी के पास जाकर कहने लगे कि महादेव क्या बैठे हो यहां पर शादी करते हो लेकिन पत्नी का ध्यान नहीं रख सकते आपकी पत्नी वहां पर जलकर मर गई। इस प्रकार नारद जी ने शिव जी को बहुत उपसाया और उस समय शंकर देवाधिदेव महादेव उग्र रूप धारण कर लिए शिव जी के क्रोध के मारे दोनों होठ और दांतों को चबाने लगे।
बिजली की जलती लपट के समान अत्यंत चमकती हुई जटा को शिव जी ने उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका और मेघ के समान गरजते हुए उस जटा को पृथ्वी पर जब पटका तब एक बहुत बड़ा विकराल आदमी प्रकट हुआ। कहते हैं, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विदंस जाई तीन कीना, सकल सुरन विधि वत फल दीना, सकल सुरन विधि वंत फल दीना। शिवजी ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र जिसका वर्णन भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं, वीरभद्र जो बिल्कुल विकराल शरीर, वीरभद्र का शरीर आकाश को छू रहा है, वीरभद्र की हजारों भुजा बादल के समान श्याम वर्ण, सूर्य के समान चमकते हुए तीन नेत्र, भयंकर जबड़े, जलती हुई आग के समान लाल लाल बाल, गले में नर मुंडों की माला और अपनी अनेक भुजाओं में अनेक प्रकार के हथियार लेकर महादेव की तीन परिक्रमा करते हुए, भयानक गर्जना करते हुए भयंकर त्रिशूल हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। जब इस प्रकार से वीरभद्र शिव जी की पत्नी को दक्ष प्रजापति के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी, इनका बदला लेने के लिए वीरभद्र तैयार हुए, तब शिव जी के जितने भी गण थे वो सारे गण उत्साहित, और शिव जी के सारे गण वीरभद्र के साथ हो गए। बोले, आज हमारे स्वामी की सेवा करने का दिन है, आज यदि सेवा नहीं करेंगे, आज यदि युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। समर मरन पुनि सुर सरितीरा, समर मरन पुनि सुर सरितीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। हे रुद्रगणों, हे भूतो, हे प्रेतो, हे पिशाचो, चलो वीरभद्र के साथ आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देंगे, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को छिन्न भिन्न करने में यदि हम मर गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे, और यदि जीत गए तो हमारे स्वामी हमें उपहार देंगे, हमें मेडल देंगे। आज जीवन में अपने शिव जी के प्रति दासतान, शिव जी के सेवक बनने का यश प्राप्त करना है। सारे शिव जी के गण वीरभद्र के साथ और भयंकर नाद करते हुए, भयंकर आवाज करते हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर दौड़ पड़े। अब दूर तो था नहीं, कैलाश से उतरकर हरिद्वार में आना था। सब लोग कैलाश से नीचे उतरे, हरिद्वार में दसों दिशा में प्रलय के समान अंधकार छा गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हाहाकार मच गया। दक्ष के यज्ञ में आकाश में, पृथ्वी में चारों ओर हजारों प्रकार के उत्पात होने लगे। दक्ष प्रजापति की पत्नियों को सभी प्रकार के अपशुकुन होने लगे। वे समझ गए कि शिव जी के अपमान का परिणाम मिलने वाला है, आज शिव जी के अपराध का परिणाम अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि भगवान शिव पर क्रोध करके ब्रह्मा का भी कल्याण नहीं हो सकता, तो ये दक्ष क्या चीज है। इतना सोच ही रही थी दक्ष प्रजापति की पत्नियां और उस सभा की महिलाएं, तब तक शिव जी के गणों ने उस महान यज्ञ मंडप को घेर लिया। सारे गण आज तो उत्साह, क्योंकि कई दिनों से हुआ नहीं था ना वीर रस का आस्वादन, सारे गणों ने घेर लिया। सबके हाथों में विचित्र हथियार, कुछ बौने, कुछ पीले, कुछ भूरे, कुछ मगरमच्छ के पेट के समान मुख वाले भयंकर हथियार को लेकर मारो मारो की ध्वनि करते हुए उस यज्ञ की ओर भागने लगे। शिव जी के कुछ गणों ने यज्ञ के बाड़ों को फाड़ दिया, कुछ गणों ने पत्नीशाला को नष्ट कर दिया,
कुछ गणों ने सभा मंडप को गिरा दिया, कुछ गणों ने हवन मंडप को तोड़ दिया, कुछ गणों ने यजमान के रहने के स्थान को खोद दिया, कुछ गण पाठशाला में जाकर उस भोजनशाला को तहस नहस कर दिए, कुछ गण यज्ञ के बर्तनों को तोड़ दिए, शिव जी के कुछ गण यज्ञ की अग्नियों को बुझाकर वहां पर अनेकों प्रकार का जल आदि छिड़कने लगे, वेदियों की डोरी को तोड़ दिया, कुछ गण मुनियों को पीड़ा पहुंचाने लगे, कुछ गण दक्ष प्रजापति की यज्ञ पत्नियों को डराने लगे, कुछ गण पत्थर फेंक कर सबको मारने लगे। यह देखकर हवन करता यजमान और समस्त देवता यहां वहां जहां जगह मिली वहां भागने लगे, और तब वीरभद्र खोजने लगे, कहां है अपराधी, कहां है महादेव। शिव जी का नाम लेते हुए अपराधी कहां है, भृगु मुनि दिखाई दिए। भृगु जिस समय दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, तब इस भृगु मुनि ने दाढ़ी पर हाथ घुमाया था। इसने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध जब हो रहा था तब दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे। वीरभद्र को पता चला ये यही भृगु है, शिव जैसे वैष्णव का अपराध करते समय दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे। वीरभद्र भृगु मुनि की दाढ़ी को कस कर पकड़े और बिना अस्त्र बिना ब्लेड चलाई दाढ़ी को खींच लिया। भृगु मुनि चिल्लाने लगे, आय रे दाढ़ी, आय रे बाल, खून निकलने लगा। अब वीरभद्र दूसरे को खोजने गए, और दूसरा अपराधी कहां, पूसा नाम के देवता के पास पहुंचे। ये पूसा देवता जब शिव जी का अपमान हो रहा था तब दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। तब वीरभद्र पूसा देवता के पास गए और एक कस कर वज्र के समान मुष्टिका बनाकर मुख में मारे, 3200 हाथों में दे दिया, 3200 दांत बाहर हाथों में। जब शिव जी का अपमान हो रहा था तब भग नाम का एक देवता आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। कुछ लोग निंदा नहीं करते, लेकिन जब निंदा होती तब आनंद बहुत लेते हैं, ये उन लोगों की बात है। शिव जी भग देवता के पास गए और आंखें खोल खोल कर अपराध देख रहे थे। उस वीरभद्र ने उन दोनों आंखों में हाथ डाला और दोनों आंखें बाहर निकाल ली, दोनों आंखें नोच ली और उसके हाथों में दे दिया। और इस प्रकार से वीरभद्र पूर्ण आक्रोश में कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर परवर दर मेल करे हरिहर सूर्यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने। भयंकर युद्ध छाया है और अब वीरभद्र ढूंढने लगा दक्ष प्रजापति कहां है, मैन खिलाड़ी कहां है, मैन पात्र कहां जिसने हमारे स्वामी का अपराध किया, दक्ष कहां है। यहां वहां वीरभद्र दक्ष को खोजने लगे और दक्ष के ऊपर दृष्टि गई। कहते हैं जैसे गरुड़ की दृष्टि सांप के ऊपर जाती है और बिल्कुल झपट मार के सांप को उठा लेते हैं, वैसे वीरभद्र ने एक ही झपट में दक्ष प्रजापति को उठा लिया। और वीरभद्र दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटा तो मस्तक फिर से जुड़ गया, दक्ष के हाथ को काटा तो हाथ फिर से जुड़ गया, पांव को काटा तो पांव फिर से जुड़ गया। तब वीरभद्र ने सोचा कि जब तक इसका अंग जलेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। तब दक्ष प्रजापति को घसीटते हुए वीरभद्र यज्ञ की वेदी के पास दक्ष को लेकर आए, और यज्ञ की वेदी जहां पर पशु को काटने का खांचा होता है आप देख सकते हैं, इस प्रकार वीरभद्र ने उस पशु का मस्तक रखने का खांचा था वहां पर दक्ष प्रजापति का मस्तक रखा और हाथ में चमचम चमचम चमकता हुआ फरसू उठाया और 1 2 3 करके दक्ष प्रजापति के मस्तक के ऊपर प्रहार किया और मस्तक कटकर उस यज्ञ कुंड में गिर गया। दक्ष प्रजापति का मस्तक खत्म, यज्ञ छिन्न भिन्न, और ये सारी बात देवलोक में पहुंची। ब्रह्मा सारे देवता हाहाकार कर उठे, ब्रह्मा के पास गए, आप कुछ कीजिए, आप कुछ रोकिए, नहीं तो ये संसार खत्म हो जाएगा।
सारे देवता ब्रह्मा लोकपाल कैलाश में शिव जी के पास गए और शिव जी को शांत करने के लिए समस्त देवी देवता शिव जी का प्रार्थना करने लगे। आइए हम भी भाव से शिव जी की प्रार्थना करें। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजे हम निराकार मोंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन मौलिकलोनि चारू गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्व नाथं भजामे रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति तेषां शंभु प्रसीदति। सो इस प्रकार से समस्त देवताओं ने मिलकर शिव जी को प्रार्थना की। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और जब शिव जी शांत हुए सबको शिव जी के पास लाया गया। बोले महाराज आपके आदमी ने, वो आदमी था ना, आपके आदमी ने हमारे भृगु ऋषि की दाढ़ी ही निकाल दी, बिना दाढ़ी के अच्छे भी नहीं लगते, इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा ओरिजिनल दाढ़ी नहीं आ सकती, कहो तो बकरे की लगा दूं। बोले जिसकी लगानी है इसको दाढ़ी लगा दो। भृगु मुनि को बकरे की दाढ़ी लगाई। पूसा नाम के देवता बोले आपके आदमी ने, आपके वीरभद्र ने इस पूसा देवता के 3232 दो तीन तो रखे होते तो बेचारा खा पी सकता, सारे दांत निकाल दिए जवानी में। शिव जी ने कहा वो दांत वात नहीं आ सकते, आप कहो तो एक ग्राइंडर जूसर दे दूं जिसमें जूस कर करके सूप बनाकर इसको पिलाते रहो, बाकी इसका और कुछ दांत कहां से लेकर आऊं। भग नाम के देवता को लाया गया। बोले महाराज इसकी आंखें ही निकाल दी। शिव जी ने कहा तो बकरे की आंख चढ़ा दूं। बोले पता नहीं इस प्रसंग में शिव जी को बकरे से क्या लगाव था, सबको बकरा बकरा बकरा। फिर अंत में वो स्ट्रेचर होता है ना हॉस्पिटल में, स्ट्रेचर पर उनके ससुर जी को लाया गया। बोले आपके ससुर का तो मस्तक ही काट दिया और ओरिजिनल मस्तक यज्ञ में जलकर राख हो गया, इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा बकरे का मस्तक बचा है, कहो तो लगा। बोले जिसका भी लगा दो, इसको जीवित करो। दक्ष प्रजापति को बकरे का मस्तक लगाया। मुझे आपसे इतना ही कहना है, जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करेगा वो लगभग ऐसा हो जाएगा। आपको ऐसा लगना है, ऐसा दिखना है तो वैष्णव अपराध कीजिएगा। शिव जैसे महान भक्त का अपराध करने वाला
देखो बकरा बन जाता है। फिर तो आगे कथा है भक्तों कि बकरे का मस्तक कैसा लगेगा। फिर भी ये तो ले लिया, अपने घर चला गया, लेकिन रोज सुबह स्नान करके जब बाल बनाने के लिए जाता ना, तो देखकर रोज शिव जी को याद करता, यार अपराध नहीं किया होता तो अच्छा था। फिर क्या, अब एक बार अपराध हो गया फिर पछताने से क्या लाभ। इसलिए कथा वथा सुनकर अपराध करने से पहले ही समझ जाना चाहिए। बहुत अफसोस होता था, और बकरे के मस्तक रखकर जीने से क्या मतलब, आत्महत्या करके मर गया, यह है अपराध। अब मुझे तो आपको ये बताना था, अब पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई शिवरात्रि के दिन वैष्णवगण उपवास क्यों नहीं करते हैं और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? ये जो कन्फ्यूजन है उसको हमें दूर करने के लिए मैंने आपको ये पूरी कथा सुनाई। कथा आप सब जानते हैं, लेकिन अब इसमें से हमको एक सार ग्रहण करना है। वो क्या है, वैष्णवगण शिवरात्रि का उपवास क्यों नहीं रहते हैं, इस पक्ष को आप समझिए। जब इस प्रसंग में भृगु मुनि नंदी को श्राप दे रहे थे, आपने सुना ना, श्रापा श्रापी हो रही थी, तो भृगु मुनि नंदी को श्राप दे रहे थे, और श्राप देते हुए भृगु ऋषि ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत चौथा अध्याय चौथा स्कंद दूसरा अध्याय 28वां श्लोक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 4:2:28 इस प्रसंग का है। ये पूरा प्रसंग श्लोक में है, मैंने आपको केवल बिना श्लोक के कहा, लेकिन इसमें ये श्लोक है, भृगु ऋषि श्राप देते हैं शिव जी के भक्तों को, तो क्या कहते हैं, भव व्रत धरा ये च चतान समनु व्रता पाषंडीनस्ते भवन्तु शतशास्त्र परिपंथिना शतशास्त्र परिपंथिना। तो वैष्णव क्यों नहीं रहते, देखिए श्लोक को समझिएगा क्या लिखा है, भृगु ऋषि का ये श्राप है, भव व्रत धरा, भव माने कौन, शिवजी, शिवजी का एक नाम है भव, तो भव व्रत, तो भव के बदले शिव कर दीजिए, तो शिव व्रत माने शिव रात्रि का व्रत, धरा धरा माने धारण करने वाला, भव व्रत धरा शिवरात्रि का व्रत धारण करने वाला, ये च जो लोग हैं सतान सम अनुव्रता, और शिवरात्रि जैसे अन्य दूसरे व्रत रहने वाले क्या होंगे, पाषंडी नस्ते, वो पाखंडी हो जाएंगे। देखो ये भृगु ऋषि का श्राप है कि भव व्रत धरा, भव का जो व्रत धारण करेगा, शिव जी का कोई व्रत धारण करेगा, तो वह आदमी पाषंडी नस्ते, वो पाखंडी हो जाए, पाषंडी नस्ते भवंतु, वो पाखंडी हो जाएगा, और पाखंडी के साथ साथ शत शास्त्र परिपंथी न, जो सत शास्त्र है उस शत शास्त्र के मार्ग से भटक जाएगा, भागवत के मार्ग से भटक जाएगा, वो किसी अन्य मार्ग को स्वीकार कर लेगा, दो चीज, पाखंडी हो जाएगा और शत शास्त्र परिपंथी न भटक जाएगा, कौन, भव व्रत धरा। तो ये भागवतीय वचन श्रीमद् भागवत 4:2:28 श्लोक है, उसमें ये कहा गया कि भव व्रत धराय, इसलिए वैष्णव लोग शिवरात्रि नहीं रहते हैं। तो आपने एक पक्ष समझ लिया, वैष्णव शिवरात्रि इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि भृगु ऋषि का श्राप है और उन्होंने कहा कि शिव जी का व्रत रहने वाला पाखंडी हो जाएगा और शतशास्त्र परिपंथी न हो जाएगा, ये एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूं कि सबसे पहले ये श्राप जो है किसने दिया, भृगु मुनि ने, किस अवस्था में दिया, क्रोधित अवस्था में। तो भक्तों क्रोधित अवस्था में दी गई बात केवल तत्कालीन वर्तमान के लिए होती है, वो कोई सिद्धांत फिलोसॉफी और कोई भविष्य के लिए नहीं होती। तो मैं इस बात को थोड़ा सा खंडन करना चाहूंगा कि भव व्रत धरा जो है, जो भृगु मुनि ने श्राप दिया, वो श्राप वास्तव में स्वीकारणीय नहीं है, वो मान्य नहीं है, एक बात। और हमारे आचार्य वंशीधर जी ने कहा कि भव व्रत धरा, यहां पर भव व्रत धरा का अर्थ यह है
कि जो शिव जी के तमोगुण पाठ को स्वीकार करते हैं, वो भांग गांजा वाले तमोगुण पाठ को स्वीकार करते हैं, वैसा यदि व्रत रहेंगे तो वो पाखंडी हो जाएंगे और शत शास्त्र वर्तीन हो जाएंगे। तो क्यों नहीं रहते हैं, ये पॉइंट मैंने भागवत से बताया। आइए अब मैं आपको स्कंद पुराण नागरखंड में लेकर जाऊं और हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में उसे कोट करते हैं। शिवरात्रि के विषय में दो श्लोक सुनाकर आज के सत्र को हम विराम करेंगे। स्कंद पुराण का ये श्लोक और सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कोट करते हैं, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा चुन कर निकाला गया है। क्या कहते हैं? शिवरात्रि व्रत इदम, इदम शिवरात्रि व्रतम यद्यपि आवश्यक नहीं वैष्णवानाम। शिवरात्रि का व्रत यद्यपि वैष्णवों को रहने के लिए आवश्यक नहीं है, पहले तो यह कह दिया, क्योंकि भागवत में जो लिखा था इसलिए सनातन गोस्वामी ने प्रथम पाठ ये रखा, क्योंकि भागवत में इस प्रकार से कहा गया, इसलिए यद्यपि वैष्णव के लिए आवश्यक नहीं है, न रहे तो चलेगा, तथापि फिर भी अत्र सदाचार भी लिख्यते, फिर भी वैष्णव सदाचार तो कभी नहीं चूकता है, जो वैष्णव होता है वो सदाचरण कभी नहीं चूकता है। इसलिए आगे सनातन गोस्वामी ने फाइनली क्या कहा, श्री कृष्ण वैष्णवानंतु प्रेम भक्ति विवर्धते। यदि कोई शिवरात्रि व्रत रहता है तो शिवरात्रि व्रत रहने से कृष्ण वैष्णवानंतु वैष्णवों के जीवन में प्रेम भक्ति विवर्धते, कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ेगी, विवर्धित होगी यदि यह व्रत कोई रहेगा। और इतना ही नहीं, यदि कोई शिवरात्रि व्रत रहता है तो कृष्ण भक्ति रस सार, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस सार जो है, वर्षिण रुद्रानुकंपया, रुद्र भगवान शिव इस कृष्ण भक्ति रस का दोध बहाएंगे, कृष्ण भक्ति रस की वर्षा करेंगे यदि हम इस व्रत का पालन करेंगे। सो कुल मिलाकर शिवरात्रि के लिए दो विचार हैं, एक कुछ लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं भागवत में भृगु का श्राप, और जो रहते हैं सनातन गोस्वामी का यह पॉइंट कि भाई कृष्ण में भक्ति बढ़ेगी और प्रेम भक्ति की वर्षा शिव जी की कृपा से होगी। अब आपको सोचना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, या फिर आप अपने काउंसलर गुरु के माध्यम से इस पर विचार कर सकते हैं। मैंने शास्त्र के दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। आज आप सब भक्तों ने बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद रमेश भाई पटेल, मीनाक्षी बेन पटेल, हिरेन भाई पटेल की पावन स्मृति में इस कथा का आयोजन करने वाले चतुर आत्मा प्रभु, जानवी देवी माता और उनका ये पूरा समग्र परिवार, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आपके सहयोग से शिव तत्व, शिव कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।